गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान बहुत विराट है, जरा सोचने की बात है। इस काया के अंदर आत्मा का स्तर कितना बड़ा है, इस काया के अंदर आत्मा का स्तर कितना बड़ा है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि हृदय के अंदर चेतना का निवास होता है। शरीर कितना बड़ा है उसके मुकाबले में, परंतु आत्मा का विस्तार कितना बड़ा है कि पूरे शरीर को ही संभाल करके नहीं रखती है, संसार को भी संभालती है। परम पूज्य गुरुदेव जो शरीर से बहुत भारी नहीं थे, परंतु क्षमताओं को अगर उनकी देखा जाए तो पूरे विश्व में आज उनकी चेतना काम कर रही है। संसार बड़ा विचित्र और बहुत विराट है। विराट होने के कारण इसके अंदर आकर के चेतना अपने स्वार्थों में खो जाती है। भूल भुलैया कहिए या बिखराव कहिए, उसमें आकर के या कहिए माया में आकर के लिप्त हो जाती है। पर जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं रह जाती हैं, विरोध अवरोध रुकावटें मुसीबतें झंझट तरह तरह की आकर के इंसान के सामने खड़ी हो जाती हैं, तब इंसान एक ऐसी अवस्था में होता है और वो अवस्था कैसी है, सांसारिकता की माया उसको जकड़ लेती है, अंतर आत्मा कराती है अपने परमात्मा के लिए, तब उसको परमात्मा की याद आती है, परंतु वो उन परिस्थितियों में फंसा हुआ होता है जिसको वो तोड़ नहीं पाता। अपने आप को अशांत असहाय अनुभव करता है, बात सुनने की नहीं है, अपने आप में देखने और समझने की है। ये बातें किसी और को नहीं कही जा रही हैं, व्यक्तिगत आपको ही कही जा रही है। आप अपने जीवन को देखिए, विषम परिस्थितियों में आज तरह तरह से पूरी तरह से हम घिरे पड़े हुए हैं, चिंताओं से, क्षोभ से, शोक से, संवेदना से, सब तरह से आज हम जकड़े हुए हैं। मानवीय संवेदना जिसके बारे में कल आपको जिक्र किया गया था, आज व्यक्ति के अंदर नहीं है, आदमी निरीह होता हुआ चला जा रहा है।
संसार में किसी को भी स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। पुण्य पाप, अपना पराया, भला भगवान, कुछ नहीं दिख रहा। आदमी को केवल 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 अपना स्वार्थ दिख रहा है। ऐसे अवसरों पर मानवीय प्रयत्न काम नहीं करते हैं। ऐसे अवसरों पर मानवीय प्रयत्न काम नहीं करते हैं। तब अदृश्य सहयोग, तब अदृश्य सहयोग हर किसी को ईश्वर की तरफ से मिलता है। ईश्वर का अनुग्रह है, वो हर किसी को मिलता है। जो नरेश कहा जा रहा है बेटा, उस पर ध्यान देना। सच्चाई का रास्ता ऐसा ही रास्ता है। इस रास्ते पर जब व्यक्ति चलता है तो ये स्थितियां उसके सामने रुकावट पैदा करने के लिए आती है और मजबूर करती हैं कि पुरानी दुनिया को लौट चल। अदृश्य सत्ता के सहयोग को जिसको मिलने लग गया, वो उभरता और उठता हुआ चला जाएगा। सांसारिक क्षेत्र में, धन दौलत के क्षेत्र में वो बढ़े ना बढ़े, परंतु आत्मिक क्षेत्र में, संवेदना के क्षेत्र में, इंसानियत के क्षेत्र में वो बढ़ता जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा, किसी के दुख को नहीं देख पाएगा। ऐसे लगने लगता है इस समय पर, इन परिस्थितियों में ऐसा लगने लगता है कि बिना ईश्वर के अनुग्रह के जीवन रथ आगे बढ़ ही नहीं सकता। यानी कि जीव को, प्राणी को अंदर से घोर आवश्यकता ईश्वर की महसूस होने लग जाती है। बेटी रीता, अभी यही तो बता रहा हूं, जब व्यक्ति चारों तरफ से घोर परिस्थितियों के अंदर फंस गया हो और उसकी अंतर आत्मा अंदर से तड़प रही हो, तब ईश्वर के अलावा उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। जब तक रास्ता दिखाई देता है तब तक व्यक्ति टालता रहता है, अवसरों को टालता रहता है। पर जब वो मजबूर हो जाता है, यानी कि यहां तक उसकी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, उसे पेट भर रोटी के भी लाले पड़ने लग जाते हैं, तब कहीं जाकर के वो ईश्वर की तरफ चलता है। यहां मैं एक बात सबको कहना चाहूंगा आश्वासन के रूप में, पहली बात तो ये कहूंगा कि ईश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि इस जन्म में हम इंसान हैं। ये बड़ा विषम समय है और इस समय पर हम इंसान हैं। और दूसरा हमारे लिए सौभाग्य ये है कि हम गुरु और गायत्री से जुड़े हैं। तीसरा ये है, जितने अंशों में भी है, मैंने पिछले दिनों कहा था, दिखावे के लिए भी आप जुड़ेंगे तो भी आपको फायदा होगा।
परंतु आप गुरुदेव की सत्ता से जुड़े हैं, गायत्री की सत्ता से जुड़े हैं। मैंने ही कल आपसे कहा था, आंख जितनी संवेदनशील होती है, पैर नहीं उतना संवेदनशील होता। ऐसे ही हम भी हैं, किसी में संवेदना कम है तो किसी में ज्यादा है। हाँ बेटा, ये हमारे लिए ईश्वर का बहुत बड़ा अनुदान है। ये जीवन, ये जन्म हमारे लिए ईश्वर का बहुत बड़ा अनुदान है, उसकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। परमात्मा निश्चित रूप से आप सबको अंतर प्रेरणा देगा, निश्चित रूप से कह रहा हूं। अंतर प्रेरणा आपके अंदर उभरेंगी, और जो अंतर प्रेरणा उभरेंगी उनको चाह करके भी टालना नहीं, इसी को समर्पण कहते हैं, इसी को समर्पण कहते हैं। मेरी अंतरात्मा मुझसे क्या चाहती है, ये बात अगर आपको समझ आने लगी तो अपनी शक्तियों से अपने टूटे हुए जीवन को नव चेतना के साथ जोड़ करके जीवन का नव संचरण आपके अंदर होने लग जाएगा। देखिए गुप्ता जी कितना अच्छा लिख रहे हैं, सत्य यही है। जब हमारे साथ कोई हमारा साथ देने वाला है, और वो भी कैसा, भगवान के जैसा, तो भ्रम कहां टिकेगा, आत्मज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाएगा, भय नहीं रहेगा, क्योंकि सत्य का मार्ग आ जाएगा। हारा थका आदमी होता है, रात्रि के आगोश में जाकर के निद्रा की नींद में सो जाता है, निद्रा देवी उसे थपकी दे दे करके सुलाती है और सुख देने के लिए स्वप्न में ले जाती है। जो सुख वो संसार में नहीं पा सकता, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वैसे ही स्वप्न उसको आने लग जाते हैं। हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जब इस माया या अज्ञान का अंधकार का विच्छेदन करने की सामर्थ्य अपने अंदर नहीं जगेगी, तो हम बाहर की सामर्थ्य पर टिके रहेंगे। हम कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकेंगे, बस इतनी सी ही बात है कि हमें अपनी जानकारी हो जाए, फिर उसके पीछे क्यों पड़ा जाए, माया के पीछे क्यों पड़ा जाए, परमात्मा का सहारा ना लिया जाए। सांसारिक सुखों को तिलांजलि, सांसारिक सुखों को तिलांजलि नहीं चाहिए, तब एक स्थिति उभर करके आएगी, जीवन आवश्यकताओं के सहारे टिका है।
जीवन आवश्यकताओं के सहारे टिका है। बस केवल आवश्यकता भर पूरी हो जाए, बाकी नहीं चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। भटकाव इसलिए है कि साधक का जो मार्गदर्शन है वो कमजोर है। उस स्थिति में आत्मकल्याण का जो मार्ग है वो देर से समझ आता है। साधक की श्रद्धा कमजोर हो तो फिर यही बात चलती है जो अभी चल रही है। जैसे जैसे आपकी श्रद्धा मजबूत होती चली जाएगी, वैसे ही वैसे चेंज आपके अंदर आता चला जाएगा। ध्यान के अंदर परम पूज्य गुरुदेव सबसे पहले एक ही बात कहते हैं, मंथन मंथन, विचार का मंथन। विचार के तौर पर एक बात को आप पूरी तरह से समझ लें, संसार निसंदेह बहुत बड़ा रहस्य है और उसमें अपनी स्थिति का ज्ञान प्राप्त किए बगैर कल्याण नहीं हो सकता। और कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर के रास्ते पर अंततः जीव को चलना ही पड़ेगा, जो ईश्वर ने बनाया। संसार का बनाया हुआ भटकाता है, अपना बनाया हुआ भी भटकाता है। हमारी इंद्रियां ही हमको भटकाती हैं। आत्मा तो आप भी हैं, सत्य को आप भी जानते हैं। सत्य से परे आप नहीं हैं, सत्य आप में समाहित है। सांसारिक पदार्थ केवल जीव की आवश्यकता के लिए ईश्वर ने बनाए थे, परंतु आज वही हमारा रास्ता रोक करके खड़े हो रहे हैं और खड़े नहीं हो रहे हैं, हमें हमारे जीवन के रास्ते से भटका रहे हैं। बहुत अच्छा ये होगा हम अपने सत्य के सच्चे स्वरूप को समझें। अगर वो सच्चा स्वरूप हमें समझ आ जाए और हमारी गति उस पर हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा। उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन प्रातःकाल, पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य, सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा, सविता अग्नि
ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास, ब्रह्म वर्चस्व उपास। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का, प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंत ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन,
कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण बेधन शोधन जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का बेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का बेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र वेद शब्द वेद लक्ष्य वेद, वेधन शोधन जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, अज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण
विस्तरण। संस्था सहयोग से योग अग्नि का विस्तार। मूल आधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलनी जागरण। पंचम चरण कुंडलनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्मज्योति का ब्रह्मज्योति में परिवर्तन। का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में। साधक का सविता में। क्षुद्रता का महानता में। कामना का भावना में परिवर्तन।
योग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलनी जागरण जीवनी सत्य जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलनी जागरण। महान जागरण आत्म जागरण। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के पांच चरण पंचोंकार। निवेदन करूंगा, अपने आत्मविश्वास को जगाएं। गुरु सत्ता हम सबके ऊपर अपने अनुग्रह को बरसा रही है। निरंतर पिछले दिनों कहा था पैनी दृष्टि से वो हम सबको देख रही है। यज्ञ की तरफ चलेंगे।
पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे, भावना की प्रधानता है। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु। अंदर बाहर से पवित्र हो गए, आचमन करेंगे, हृदय को शुद्ध करेंगे। ओम अमृतो प्रस्थनमसि स्वाहा, मन को शुद्ध करेंगे। ओम अमृता पिधान मसीही स्वाहा, आचरण को पवित्र करेंगे। ओम सत्यम यश श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करके बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की पांच उंगलियां डुबा करके चोटी स्तर का जीवन जिएंगे। पांच उंगली गीली करेंगे और चोटी स्थान को छुएंगे। ओम चिद्दरूपिणी महामायी दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। मेरे साथ दोहराइये, बाएं से दाएं अपनी इंद्रियों को स्पर्श करिए। ओम वांग्मयी आसे यस्तु मुक्को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिस्तानि व्यंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनि जल धरती माता पर श्रद्धा के साथ चढ़ाएंगे और चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लेंगे, और जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी से पकड़ करके और संकल्प दोहराएंगे। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत् यामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बौद्ध्यर्षह वंशमानयायुः प्रमोसीः। ओम मनुर्जूतिर्जुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिस्तं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च या। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। गायत्री माता को तिलक। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम दवनाम भमवर्चसम मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम। ओम अभिषिक्त्यार सिद्ध्यर्थ पूजितोय सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।
आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि, पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे और गुरुदेव के सामने समर्पित करेंगे। सहायक परिजन कलावे के दो टुकड़े तोड़ लें और स्वयं बूंद बूंद करके चार बूंद जल चढ़ाएं। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, कलावा ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, दूसरा यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करिए, गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेद्यामि, फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि, सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि, फिर चावल, सर्वाभावेक स्थानी समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम देव शक्तियों को। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तय सहस्रपादाक्ष शिरोर्भवे सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः, सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान, ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयं गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नेत्रियां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर, ऊपर ऊर्धम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु, अनुक्तमपि यत स्थानम रक्षत विश्वमार्दिक, अपसर्वन्तु ये भूता, ये भूता भूमि सनिस्तताय भूता, विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु सिवाग्गया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा, सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे अग्निस्थापनम्। कुंड में अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथ्वीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथ्वी हि देव यज्ञे पृष्ठे अग्निम् मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम् दूतम् पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नि नमः, अग्निम् आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम् करोमि। समिधा दान करेंगे। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे पकड़कर दोनों तरफ से घी लगाकर स्वाहा के साथ समर्पित करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने ध्यवर्धस्व चेद्य वर्ध्य चाशमान प्रजया पशुर्वे बम वर्चसे अन्नादेन समेद्य स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा इदम् अग्ने इदम् नमम् तीसरी। ओम सुसमिधाय सुचिसे घृतम् तीव्रम् जुहूतन अग्ने जातवेदसै स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदम् नमम् चौथी। ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा इदम् आग्ने अंगिरसे इदम् नमम् जल प्रसेचनम्। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अनमन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अनमन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे, दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। अगला कार्य रोक करके अभी सबसे पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, तब तक अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। थोड़ा सा घी समिधाओं पर छोड़ दें। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन।
ओम गोतमे सर्वभूतानां ऋषिनां च सदा प्रिय श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तकः ओम गोतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निस्थित ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोक सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असी त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम ओम जमदग्नि नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रे नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे ओम अत्रे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यान् ग्रहण में ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज्याहूति होम है। घी की 7 आहूतियां प्रदान करेंगे यज्ञ भगवान को। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम ओम अग्नय स्वाहा इदम अग्नय इदम नमम ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम ओम भूहु स्वाहा इदम अग्नय इदम नमम ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमम ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। गायत्री मंत्राहुति ही। सभी मिलकर के सामग्री के साथ और घृत के साथ अपनी आहुतियां देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं ऐत्रे इदं नमम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्री इदं नमम
ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियां कोनिया से बहपुरा से संजय दुबे के परिवार की सुख समृद्धि के लिए आगे की आहुतियां। और आज तो मैं भी प्रार्थना आप लोगों से कर रहा हूं, आप सबका मेरे ऊपर कृपा बनी रहे उसके लिए मैं आपसे अपने लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। अलका का आज जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए और सतत वो जो गुरु कार्य में दोनों पति पत्नी लगे हैं उनके लिए और देव परिवार के जो भी परिजन हैं उन सब की भलाई के लिए हमारी ही एक कार्यकर्ता सुनीता है गंगा विहार से, उनका देहावसान हो गया है, उनकी आत्मिक शांति के लिए आगे की विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदया स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदया स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदया स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। महेंद्र गौड शकुंतला जी के पति हैं, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। हाँ, नेचुरोपैथी में सभी ठीक हो रहे हैं, उन सब पर भी गुरुदेव की कृपा बनी रहे। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदया स्वाहा इदम सूर्या इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदया स्वाहा इदम सूर्या इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदया स्वाहा इदम सूर्या इदम नमम। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदया स्वाहा इदम महाकाला इदम नमम। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तय धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदया स्वाहा इदम महाशक्त इदम नमः। विशेष आहुतियां कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अन्ते कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम
सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वी रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वानराय इदम नमम। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही। भूल चूक गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिरिचम यद्वा न्यून्यमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्ने सृष्टिकृते सुहूतुते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धयित्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा इदम् अग्ने सृष्टिकृते इदम् नमम् पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईस्मृजे गंग सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। धार बांध कर एक चम्मच की छोड़ देंगे वसोधारा। ओम वसो पवित्रमसी सतधारम वसो पवित्रमसी सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्दे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्त दिव्य स्तवे वेदै सांग पद क्रमनोपनीत सदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदुसुरा सुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या ददनम त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। सबको आरती दें, सबको पुष्प दें, एक परजन कलश लेकर शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी ही शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिस्ता सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमा न्याय संति हनाकम महिमान चचत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। कुंड में चावल छोड़ते हुए विदा। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। जल कलश को सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में दे दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त गणार्गम दिवाकर सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सब आगे बढ़ें अपने जीवन में, यही प्रार्थना। आज की बात संपन्न।